छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सो गाइस ये प्यारा सा नज़ारा है यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का, और यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अरविंद गौड़ और गाइस आज जा रहा हूँ मैं अलीबाग, और इस बार मैं जा रहा हूँ अलीबाग M2M फेरी से, रोरो फेरी से। सो इस बार हम लोग रुक रहे हैं नागांव बीच के इधर, और गाइस बहुत मज़ा आने वाला है आपको। मैं रोरो फेरी के सारी डिटेल्स दिखाऊंगा और क्या है उसमें सिस्टम, कैसा है उसका, मतलब एंड टू एंड जो रहता है वो सब दिखाने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। और अभी हम लोग निकल चुके हैं और मेरा फेरी जो है वो 10:45 का है। सो गाइस पहुँच गए हैं हम लोग यहाँ पे भाऊचा धक्का किधर, और ये रोरो फेरी के लिए। सो गाइस पहुंच गए हम लोग रोरो फेरी के, यहाँ पे गेट है अलग से उसका, और यहाँ से 2 मिनट 400 मीटर है, और डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल के लिए जाना है हमें। ओ भाई साहब, लाइन तो लगी है गाड़ी की पूरी। पहले पेपर चेक करवाते हैं रोरो फेरी के लिए, M2M के लिए। तो यहाँ पे टिकट चेक करवाते हैं फिर दिखाते हैं इनको ये टिकट। तो यहाँ पे हम लोग टिकट चेक करवा रहे हैं, तो यहाँ से बोर्डिंग पास लेते हैं। और ये चेक कहाँ करवाना है वो? और डॉक्यूमेंट्स बाइक का? बाइक का दिया ना, ग्रीन वाला बाइक का है। अच्छा, और ये आपका पैसेंजर। ओके ओके। सो गाइस ये ग्रीन वाला बाइक का है और ये है पैसेंजर का। तो आप देख सकते हैं 300 रुपीज़ पैसेंजर का है और टू व्हीलर का 200 रुपीज़। ओ भाई साहब, M2M फेरी दिख रही है यहाँ पे, कितनी बड़ी है यार, ऑसम है, सॉलिड, मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है। नो एक्चुअली वी आर गोइंग नागांव बीच अलीबाग। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं फेरी की ओर, और बाइक का लेन किधर है देखते हैं। ये तो कार का लेन है, आई थिंक यहाँ से जाना पड़ेगा हमको। चलो जाते हैं अंदर। और गाइस अभी हम लोग M2M फेरी में एंट्री कर रहे हैं। वेलकम अबाउट M2M फेरीज। और ये रही हमारे एंट्री, और हम लोग एंट्री कर चुके हैं M2M फेरीज में। भाई साहब लेफ्ट साइड में बाइक लगाना है और वहाँ पे कार का है, क्या बात है यार, क्या बोट है साइड में बाइक लगाते हैं। तो ये रही M2M फेरी पूरी, और कार एंट्री ले रही है, और ये है कार का पार्किंग एरिया। सो गाइस फुल पार्किंग हो चुका है कार का यहाँ पे देख सकते हैं आप, और अराउंड 200 के ऊपर कार आ सकती है मेरे ख्याल से यहाँ पे। और ये पूरा M2M फेरी, बार इज ऑन द फॉर डेट, लेट्स गो। So guys, here's the bar. तो पब्लिक तो कार में बैठी है कोरोना की वजह से, या फिर कंफर्टेबल है कार में ज़्यादा, ऊपर से एसी चालू करके बैठा हुए हैं सब। और मेरे को बाइक से ज़्यादा तो कार दिख रही है यहाँ पे। पहले तो सैनिटाइज करते हैं। सो गाइस ये है लॉन्ज एरिया यहाँ का, सो यू कैन ईट ड्रिंक एनीथिंग हियर। Let you
सो फेरी निकल चुकी है हम लोग की यहाँ से। सो गेट बंद हो चुका है और फेरी निकल रही है अभी हम लोग की। आज वीकेंड है और पूरा फुल है फेरी और मास्क कंपलसरी है और मैं इसलिए नीचे आया कि वीडियो में शूट करूं और आप लोगों को बताऊं। और गाइस यहां पे बता दूं इसका जो फेरी का टाइमिंग था 10:45, एग्जैक्ट 10:45 को निकला है यहां से। और ऑसम है यार, बहुत मज़ा आया। बार है, लॉन्ज है और पार्किंग स्पेस है और आगे का सीन जो बैठने का सीन है बहुत अच्छी तरह से सेटल किया है, तो बहुत ही अच्छा है। और पर पर्सन 300 रुपीज़ है वर्थ है, और कार का तो अराउंड 800 रुपीज़ है और बाइक का 200 रुपीज़, तो वर्थ है मैं बोल सकता हूँ, बहुत ही अच्छा है। और एक घंटे में आपको मांडवा पहुँचा देती है, ऑसम है यार। और सब फैसिलिटी है, लॉन्च एसी लॉन्च है पूरा, और बार है यहाँ पे, आप एंजॉय कर सकते हो और रिजनेबल रेट है, ज़्यादा रेट भी नहीं है, तो फेरी के हिसाब से आप इजिली स्पेंड कर सकते हो उतना मनी। और सीनरी तो लाजवाब है यार, बहुत मज़ा आ रहा है, एक बार आना वर्थ है यहाँ पे। और आपके पास कार है तो आपके लिए वर्थ ही है गाइस, और बाइक भी वर्थ है क्योंकि हम लोग एक घंटे में पहुँच जाते हैं मांडवा, और इजली आप ट्रैवल कर सकते हो और कंफर्टेबल है, कुछ टेंशन नहीं है, एकदम ऑसम है यार, मज़ा आ रहा है। तो आप लोग को दिखाता हूँ नज़ारे, और लॉन्च में जाते हैं, कुछ खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई लॉन्च में से भी अच्छा सा व्यू है एक, ये रेट है यहाँ पे रिजनेबल रेट है। चिकन सैंडविच तो गाइस एक चिकन सैंडविच और एक हम पानी का बॉटल लेके जा रहे हैं। सो गाइस ये है चिकन सैंडविच और भाई साहब इसका 180 रुपीज़ है। घूमते घूमते पहुंच गए और पता ही नहीं चला, एक घंटे में पहुंच गए हम लोग मांडवा। सो गाइस निकल रहे अभी हम लोग, अगर आप बाइक ला रहे हो तो कॉर्नर पे रहेगा, वो थोड़ा सा टाइम लगता है निकलने में, पहले बीच वाले कार जाते हैं। अगर आपके पास कार है तो बीच में ही खड़ा करना है, तो आप पहले ही निकल जाओगे। और पहुंच गए हैं अभी हम मांडवा। सो हियर वी आर इन मांडवा। भाई साहब एकदम इजीली निकल गए, लेफ्ट साइड से पब्लिक जा रही है और यहाँ से कार और बाइक निकल रही है, तो निकलते हैं यहाँ से मांडवा से और जाते हैं अलीबाग सिया रिसोर्ट। मैंने बुक किया है रिसोर्ट सिया रिसोर्ट नागांव में, जिसके यहाँ पे जो है, और भाई अलग ही लेवल का फील था यार, ऑसम, मज़ा आ गया है, एक बार आना तो वर्थ है गाइस। सब कुछ अच्छा था, बार फिर लॉन्च फिर बाद में व्यूज जो थे, बैठने के लिए सिस्टम सब कुछ, और वो फेरी जो आई है वो ग्रीस से आई है यार, सॉलिड एकदम मस्त इन्वेंशन किया है। और इसकी वजह से अलीबाग में टूरिस्ट भी बढ़ गए हैं। और एग्जैक्ट 1 आवर लिया फेरी ने, M2M फेरी ने, तो पूरा जब हम लोग 10:45 से निकले थे 11:45 को पहुंच गए, और निकलते निकलते 11:50 हो गया और भाई साहब मांडवा पहुंच गए। तो वेलकम टू मांडवा, वेलकम टू अलीबाग। सो गाइस अलीबाग तो मैं कितने बार आ चुका हूँ, लेकिन यार मोटो व्लॉग करने का मौका नहीं मिला दिन में। पिछले हफ्ते आया था मोटो व्लॉग, शाम को कर रहा था लेकिन माइक अटैच नहीं था, इस बार माइक अटैच है और सीन मस्त आ रहा है। मांडवा से निकल के हम लोग जा रहे हैं सिया रिसोर्ट की ओर और भाई साहब एकदम मस्त नज़ारा है। ऐसा ये मेरे को ना अलीबाग ऐसा लगता है ना मिनी गोवा लगता है,
और नज़ारे देखो यार, ऐसा लग रहा है कि ऐसा जंगलों के बीच में से जा रहे हैं भाई साहब। अलीबाग का मेरे को यही बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस सिया रिसोर्ट जाने के लिए यहाँ पे छोटा सा एक रास्ता है, वो पता नहीं चलता है, गली में से ऐसा जाना पड़ता है। यहाँ से कुछ 500 मीटर की दूरी पे है वो सिया रिसोर्ट। एक्चुअली दिन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा रात को मतलब अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है भाई साहब यहाँ से जाने का, क्योंकि 500 मीटर है इतना अंधेरे में, क्योंकि यहाँ पर लाइट तो स्ट्रीट लाइट है नहीं, और कुछ ऐसा रास्ता है तो आप भी सोचिए रात को कैसा रहता रहेगा। और हियर वी आर, इट्स अ सिया रिसोर्ट। चलिए पार्किंग करते हैं अंदर, ये है सिया रिसोर्ट। पहुंच गए हम, पहुंच गई, और इधर बाइक लगा देते हैं। ओहो, विला स्विमिंग पूल इज ऑन। तो चलिए चेक इन करते हैं, ये चेक इन एरिया है और इधर स्विमिंग पूल, ये है हमारा रूम, सम बेड, प्यारा सा सोफा, ये पूल व्यू, और ये है बाथरूम, बड़ा है। ओ भाई साहब व्यू देखो अभी यहाँ से, क्या बात है, क्या बात है। सो गाइस ये फुल प्रॉपर्टी है सिया रिसोर्ट की, और यहाँ पे बंगलो है, और इस बंगलो में हम लोग रुके थे पहले, और पूरा एरिया है गार्डन एरिया। और इधर है चिल्ड्रन प्ले एरिया।